हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके टिकटॉक वीडियो वायरल नहीं होते तो किस वजह से नहीं होते। अगर आप सीरियसली टिकटॉक पे काम कर रहे हैं तब पर भी आपके वीडियो वायरल नहीं हो रहे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपका टिकटॉक वीडियो जो एडिटिंग वाला रहता है, जो बहुत सारी एडिटिंग आपने बनाए हैं तब पर भी वायरल नहीं हुए। आज मैं ये सब वीडियो के बारे में नहीं बताने वाला, सिर्फ एडिटिंग जो वीडियो आप करते हैं बनाते हैं, मैं एडिटिंग का ट्यूटोरियल देता हूँ। उसमें से मेरे भाई ने पूछा कि मुझसे कि मेरे वीडियो देखो क्या कमी है, जो मैंने बनाए तब पर भी इतना ट्रेंड में था तब पर भी उनका वीडियो वायरल नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों है। तो आप सीरियसली इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैं कह रहा हूँ पूरा अंत तक देखिएगा, जिसमें मैं बताऊँगा आपको, तो आप समझते हैं अच्छी तरह से, तो आपके वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा पूरा अंत तक, और साथ में आप इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, लेकिन ये मत कहिएगा कि मेरा वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा वीडियो बना दीजिए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। मुझसे जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, कि जो समझ में नहीं है वो पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मत कहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, लेकिन ऑल कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल उसका ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहेगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी एडिटिंग आप वीडियो बनाते हैं वो आपको ट्रेंडिंग में रहता है तब पर भी वीडियो नहीं वायरल होता है। तो ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अभी से मैं भी कह रहा हूँ कि पूरा अंत तक देखिएगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ कि जो भी आप टिकटॉक वीडियो को बनाने के लिए एडिटिंग करते हैं, काइनमास्टर चाहे जैसा भी कोई ऐप है उसे एडिटिंग करते होंगे, ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा काइनमास्टर से ही करते हैं। मैं काइनमास्टर से ही आपको बताता हूँ कि ऐसे कीजिए। तो आप जो उसमें सॉन्ग ऐड करते हैं, जब तक सॉन्ग वायरल नहीं होता तो कोई भी वीडियो वायरल नहीं होता, सॉन्ग के कारण ही जो वीडियो वायरल होता है। तो इसके लिए मैंने बोला है बहुत सारे वीडियो में कि आप सॉन्ग टिकटॉक से ले आइए, उसके बाद उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये तो हो गया इसलिए कि आप उसमें लिपसिंग करते हैं, चाहे कोई भी इफेक्ट डालते हैं, चाहे मतलब कि वहाँ पे एक्टिंग करते हैं कैसा भी उस वीडियो को दिखाने के लिए, तो उस साउंड के अनुसार ही करते होंगे, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो सॉन्ग वहाँ पे तो ऐड हो जाता है, आप समझ गए कि वीडियो बन गया, और वही वीडियो को आप टिकटॉक में अपलोड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है वहाँ पे कि जब आप उस वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे टिकटॉक में जो वायरल है वो साउंड नहीं रहेगा, वो साउंड क्या बन जाता है, आपका खुद का वो साउंड बन जाता है, जो कि आपका साउंड तो वायरल है ही नहीं, तो वायरल कैसे होगा। जो साउंड वायरल है उस पर तो आपने वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि साउंड वही है, सब आवाज़ भी वही है, सब चीज़ वही है, लेकिन वहाँ पे आपने एडिटिंग कर ली, इसके बाद वो आपका साउंड बन गया, ये नहीं कि जो वहाँ पे वायरल है उसका साउंड है। तो इसके लिए ही आपका वीडियो वायरल नहीं होता, तो उसे वायरल अब कैसे करें, उसका साउंड कैसे ऐड किया जाए, तो इस वीडियो को हम आपको ट्यूटोरियल बताते हैं कि कैसे आपको उसके साथ में साउंड को ऐड करना है। सॉन्ग तो आप मिला लिए, मिक्सिंग कर लिए अच्छी तरह से, तो उसके बाद आपको सॉन्ग टिकटॉक में कैसे उस साउंड पे मिलाना है, ऐड करना है, उसको देख लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे अपलोड करनी है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो वीडियो आप ट्रेंड में चल रहे हैं उस पे एडिटिंग करते हैं तो उसको ज़रूर लाइक करते होंगे, उस सॉन्ग को जब डाउनलोड करते हैं तो लाइक करके रखते हैं कि बाद में ज़रूरी पड़े, तो उसे सबसे पहले मी में जाना है, और आपने उस सॉन्ग को लाइक किया होगा तो आपके लाइक में यहाँ पे आ जाता है, इधर देखिए लाइक बटन है जो लॉक किया हुआ है, जो सिर्फ आप देख सकते हैं, कोई नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे मान के चलिए ये वीडियो है, इसी का साउंड जो अभी ट्रेंड में आ रहा है, ये वायरल वीडियो समझिए एक प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसे मैंने ले लिया। तो अब करना क्या है यहाँ पे, उस एडिटिंग वीडियो के साथ अपलोड कैसे करनी है, तो यहाँ पे आपको जो सॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है इस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद इस पर बहुत सारे वीडियो बन चुके होंगे तो इस पर टैप करना है, और यहाँ से आपको भी ऑप्शन मिलेगा यूज दिस साउंड, तो यहाँ पे आ रहा है नीचे, इस पर टैप करना है और यूज दिस साउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप टैप करते ही आप वीडियो बना सकोगे। और आपको बता दूँ कि कैसे करना है, तो वीडियो जब अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोसेसिंग हो रहा है, इसे पूरा होने दीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गया है, और आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऊपर में सॉन्ग ऐड आ रहा है, कि यहाँ पे सॉन्ग ऐड हो चुका है उस साउंड का। तो नीचे ऑप्शन देख रहे हैं अपलोड का, तो यहाँ पे चलना है, और अपलोड पे चलने के बाद आपको गैलरी से वीडियो जो एडिट किए हैं वो मिलेगा आपको। तो हम दिखा देते हैं कोई वीडियो को लेकर, जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है,
यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपका सॉन्ग कैसे ऑफ करना है और जो वीडियो का सॉन्ग है उसे कैसे ऑन करना है इसे बता देता हूँ। तो इसका प्रोसेसिंग पूरा होने दीजिए। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे इस प्रकार से आने के बाद आप करके आ सकते हो। तो वॉल्यूम का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है, और ओरिजिनल साउंड जो आपने एडिट किया है उसे आप यहाँ से कम कर दीजिए, और साउंड ट्रैक है इसे ऑन कर दीजिए इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार करने के बाद आप वीडियो अपलोड कीजिए तो साउंड के साथ में मिक्स हो जाएगा, या तो आप वहाँ पर एडिटिंग जब करते हैं तो वहीं पर साउंड ऑफ कर दीजिए और इसका साउंड ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपका वीडियो वायरल हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।